हेलो मैं ज्ञानराज्निहोत्री आपका इस वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ इस लेसन में मैं एडजेक्टिव के बारे में आपसे बात करूँगा और ऐसे एडजेक्टिव जिससे आप अपनी बात इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा इम्प्रेसिव तरीके से कर सकें क्योंकि ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने के लिए ज़्यादा अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाने के लिए और ज़्यादा बेहतर इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश में बोलने के लिए आपको एडजेक्टिव आना जरूरी है इससे आपकी अपनी वॉकेबिलिटी भी बेहतर हो दिखती है जैसे आपको बोलना है कि नाइस या कि ब्यूटिफुल तो इसको आप एडजेक्टिव में कैसे बोलेंगे एडजेक्टिव जैसे मैग्निफिशेंट रिमार्केबल और इंस्पिरेशनल और सम मच मोर मीनिंगफुल एंड इट्स गिव ब्यूटी योर इंग्लिश स्पीकिंग सो चलिए एडजेक्टिव पर बात करते हैं और मैं अपने फेवरेट एडजेक्टिव्स पर आठ आठ फेवरेट और एडजेक्टिव्स पर आज आप बात करूंगा ये एडजेक्टिव्स कोई इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए काम आते हैं किसी नाउन के बारे में इसमें वर्ड का ऑर्डर क्रम होना बहुत महत्वपूर्ण होता है व्हेन यूज नेक्स्ट ए नाउन द एडजेक्टिव कम बिफोर द नाउन नाउन के पहले आते हैं एडजेक्टिव हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले क्या होगा ए एक एन और इसके बाद एडजेक्टिव और इसके बाद नाउन आएगा एक एग्जाम्पल समझते हैं एन इनक्रेडिबल स्टोरी एक बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन स्टोरी इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आप एन इनक्रेडिबल स्टोरी दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी कॉमन and it is very easy to understand and learn and you can use it you can speak it and you will speak more fluent तो पहले क्या हुआ noun plus b plus adjective हर रिकमेंडेशन वॉर excellent आप नाउन पहले भी हो बीस में बी और लास्ट में एडजेक्टिव हर रिकमेंडेशन वॉर excellent राइट right? देखा आपने कितना शानदार कितना बेहतरीन है so today I want to share eight of my favorite adjectives with you. It will give you a boost to your vocabulary when you are describing some things, लेकिन किसी आप स्थान को डिस्क्राइब करते हैं इसमें हमें दोनों प्रकार के की बात करूंगा पॉजिटिव भी और नेगेटिव एड्जेक्टिव भी तो सो जब आपको चीजें अच्छी होंगी तो आप उसके हिसाब से अपने आप एडजेक्टिव्स को एडजस्ट कर लेंगे एड्जेक्टिव को भी एडजस्ट कर लेंगे सो न्यूट्रल एब्जेक्टिव में भी बात करेंगे कि जब चीज़ें न्यूट्रल हो सो ओके सो वेन थिंग्स आर ओके बट नथिंग स्पेशल यू कैन यूज यूज देम सो इसमें जितने भी एडजेक्टिव बारे में मैं बात करूँगा इसमें यू कैन यूज टू डिस्क्राइब पीपल टू बट दे आर कॉमनली यूज अबाउट द नाउन् प्लेसेस और थिंग्स राइट लोगों के बारे में भी आप बात कर सकते so so that's we are focusing on some eight adjectives and we are starting from one by one we will discuss about one by one so so stay tuned or जो सबसे best adjective लगे उस पर आप comment करके जरूर बताइएगा so पहला मेरा आप adjective है magnificent magnificent मतलब ये उदाहरण बहुत ही शानदार बहुत ही bettering इसमें आपने देखा स्ट्रेस कहाँ पर है मैग्नी एन आई पर स्ट्रेस है इस एडजेक्टिव में आप तब इसको यूज करते हैं जब कोई बहुत ही इंप्रेसिव हो या कि बहुत ही इंस्पायरिंग हो या कि बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन हो वहाँ पर आप मैग्निफिसेंट का यूज कर सकते हो जब आप किसी पीपल के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही स्किलफुल है बहुत ही अच्छा है तो वहां पर आप बोलेंगे मैग्निफिसेंट अभी अब इसको जो एग्जाम्पल्स में मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से समझिएगा और नोट कर सकेंगे तो और अच्छा होगा आप बेहतर तरीके से यूज कर सकेंगे सो so, यहाँ पर आप वेरी वेरी इन फ्रंट ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव रेगुलर एडजेक्टिव में आप वेरी यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे सो so, इसलिए कि मैग्निफिसेंट जो है एक्सट्रीम एडजेक्टिव है सो यू कैन यूज इट टू एड एम्फोसिस टू योर इमोशंस अपने इमोशंस को जोर देने के लिए आप यूज कर सकते हैं राइट सो वेन एवर यू नीड टू गिव एम्फ टू योर इमोशन यूज मैग्निफिसेंट इन इंस्टेड ऑफ वेरी राइट एक एग्जाम्पल देखिए दैट मील वॉज मैग्निफिसेंट आई हैव एन इट एन दैट वेल इन अ लॉन्ग टाइम एक्सट्रीम इमोशन के बारे में बात करना है शॉट वॉज मैग्निफिशेंट राइट The goal was magnificent. We woke up at sunrise and had a magnificent view over the Indian Ocean, right? देखा आपने magnificent का यूज कितना गजब का सेंटेंस है कितना गजब का वर्ड है मैग्निफिशेंट राइट right? एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर मैग्निफिशेंट जब किसी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करना हो किसी मूवी के परफॉर्मेंस में किसी ड्रामा के परफॉर्मेंस में तो आप वहां पर ऐसी स्थिति में बोलेंगे यू आर मैग्निफिशेंट आपका परफॉर्मेंस एक्चुअली में मैग्निफिशेंट था बहुत ही शानदार था तो पहला एडजेक्टिव हुआ मैग्निफिशेंट दूसरा एडजेक्टिव है रिमार्केबल इसमें आपने देखा स्ट्रेस रिमार्केबल एम पर फिर से स्ट्रेस दिया हुआ है इसको आप तब बोलेंगे जब कोई चीज सरप्राइज हो रही हो कोई सरप्राइजिंग चीज हुई हो और जहां पर आप प्रभावित हुए एंड इट इज वर्थ कमेंटिंग ऑन बिकॉज इट इज यूनिक और इट इज अनयूजल और वहां पर कमेंट करना जरूरी हो एक अनयूजल चीज हुई जैसे आप इसको से देख सकते हैं जैसे लाल किला इज ए रिमार्केबल बिल्डिंग राइट देखा आपने एक अनयूजल चीज हुई इट इज रिमार्केबल दैट द पिरामिड्स इन इजिप्ट वर बिल्ड थाउजेंड्स ऑफ एगो ये फिर से रिमार्केबल या कि अनयूजल चीज हुई हो देखा आपने तो रिमार्केबल आप यूज कर सकते हैं कार एक्सीडेंट ही मेड ए रिमार्केबल रिकवरी हर बार आप देख रहे हैं किस उसका पैटर्न कैसे यूज किया जा रहा है इसीलिए मैं आप से बार बार बोलता हूँ आप पुराने वीडियो आपने देखा होगा कि आप सेंटेंस को कॉन्टेक्स्ट में यूज करना सीखिए एक और एग्जाम्पल देखिए हिज प्रेजेंटेशन वाज रिमार्केबल इट वाज अनलाइक एनी ऑफ अदर्स एट द कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में सबसे शानदार उसी का प्रेजेंटेशन था रिमार्केबल था राइट सो रिमार्केबल कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन जब कोई वो आदमी जो है दूसरे लोगों से अलग हो राइट right? सो so, एग्जाम्पल देखते हैं सी रियली इज ए रिमार्केबल बीमन वही बहुत ही असाधारण है कि अनयूजल महिला है राइट द अपोजिट इज इसका रिमार्केबल अपनी बात करूं तो ये अनरिमार्केबल है एंड इट इज यूज वेन समथिंग इज नॉट स्पेशल और यूनिक एट ऑल बहुत ही साधारण कोई चीज हो रिमार्केबल का अपोजिट एग्जैक्टली बहुत ही साधारण चीज है तो आप क्या बोलेंगे अनरिमार्केबल तीसरा वर्ड है obvious ये भी बहुत ही शानदार वर्ड है एक चीज आपने देखा होगा इंग्लिश में वर्ड्स में उसका जो स्ट्रेस कहां पर आप दे रहे हैं, वो बहुत ही है। क्योंकि खासकर एडजेक्टिव में बिकॉज पुशिंग डाउन ऑन द स्ट्रेस सिलेबस हेल्प यू टू एम्पोसाइज द वर्ड एंड मेक द मीनिंग स्ट्रॉगर ऑब्वियस उसका जो मीनिंग है करने के लिए उसका स्ट्रेस बहुत मायने करता है यदि कोई चीज ऑब्वियस है इट मीन्स कि वो चीज दैट इज क्रिस्टियल क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड राइट आई कुड अंडरस्टैंड योर मीनिंग इट इज ऑब्वियस मैं आपके वक्त आपका कहने का मतलब समझ पा रहा हूं समझ सकता हूं क्योंकि ये तो बिल्कुल साधारण सा, है सीधा सा इजी है राइट एक और एग्जांपल देखिए इट वॉज ऑब्वियस दैट ही इज इन लव विद यू राइट right? सेंटेंस में हमेशा सीखिए वर्ड्स इस वर्ड्स को आप रिपीट करिए बार बार आप उनको बहुत इजीली और बहुत ही नेचुरल तरीके से यूज कर पाएंगे एक और एग्जाम्पल देखिए इट वॉज ऑब्वियस दैट सी डिडेंट वॉन्ट टू बी एट द पार्टी हर बिहेवियर हर बॉडी लैंग्वेज हर टोन ऑफ वॉइस इट वॉज क्लियर दैट सी डिडेंट वॉन्ट टू बी देयर सो देखा आपने ऑबियस ऑबियस मतलब फिर से मैं आपसे रिपीट करता हूं जो क्लियर हो और इजी हो ठीक है ओप्स एन ऑबियस कैच वो तो बहुत ही सीधा सा कैच था उसको मिस कर दिया राइट ओप्स एन ऑबियस मिस्टेक एक बिल्कुल साधारण सी मिस्टेक था उसने किया क्लियर समझ में आ रही कि मिस्टेक किया हुआ राइट right? आपको ओवियस पर कोई एक शानदार सेंटेंस जो आपको अच्छा लगे आप कमेंट करने बताइए तो अगला वर्ड फिर से लेते हैं एक्सेप्टेबल ये आप देखेंगे कि बहुत ही न्यूट्रल एडजेक्टिव है लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है कोई चीज जब रीजनेबल हो और ज्यादातर लोग जो है उसको साधारण समझे अच्छा समझे यू नो इट इज जनरली एक्सेप्टेड और अलाउड जो जनरली एक्सेप्टेड हो और अलाउड हो उसमें हम कर सकते हैं एक्सेप्टेड राइट right? इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा दिस डेज फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आर बिकमिंग मोर एक्सेप्टेबल टू इंप्लॉयर्स राइट फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एक्सेप्टेबल मतलब दोनों के लिए जो है न्यूट्रल है दोनों लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं राइट दूसरा एग्जांपल देखिए प्लीज लेट मी नो इफ द फीस आर एक्सेप्टेबल इफ यू आर ओके विद इट एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल बहुत ही बेहतरीन एडजेक्टिव है इसका अपोजिट यदि मैं बात करूँ तो अनएक्सेप्टेबल राइट अनएक्सेप्टेबल तो ये एक बहुत ही शानदार तरीका है अपनी वॉकेबिलिटी को बेहतर करने का शानदार करने का आप कोई वर्ड्स सीखिए एडजेक्टिव सीखिए उसका अपोजिट भी सीखिए तो एक्सेप्टेबल का अपोजिट अनएक्सेप्टेबल और एक सेंटेंस जरूर यूज करिए राइट सो सेंटेंस का मैं हमेशा बोलता हूं कि सेंटेंस में सीखिए वर्ड भी सीखिए कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर भी सीखिए फ्रेजल पर भी सीखिए कुछ भी सीखिए तो एक अनएक्सेप्टेबल पर एक वर्ड में बोलता हूँ एक सेंटेंस बोलता हूं उसको नोट करिएगा और एक सेंटेंस जो है कमेंट में करके बताइएगा नीचे माई होटल रूम वॉज फिल्डी दी इट इज अनएक्सेप्टेबल माई होटल रूम वॉज फील दी इट इज अनएक्सेप्टेबल राइट नेक्स्ट एडजेक्टिव है इम्पॉसिबल इसका मतलब है कि इट कांट बी डन और इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू बहुत ही मुश्किल है इसको करना इसको संभव ही नहीं है नो इट इज इंपॉसिबल इट कांट बी डन यह संभव नहीं है और यह नहीं हो सकता राइट right? एक और एग्जाम्पल हैं माई बॉस गेव मी एन इम्पॉसिबल टास्क इम्पॉसिबल right So learn more and more adjective. you will sound more fluent and more natural. right? Adam is so badly behaved it is impossible to become fluent in English without practicing with English speakers. It is impossible to become fluent without practicing. so keep practicing. keep practicing, keep learning new adjectives, new words.

राइट एक एग्जाम्पल से समझते हैं इट इज सिग्निफिकेंट बिल्डिंग इन द सिटी राइट इट इज सिग्निफिकेंट मूव बाई गवर्नमेंट राइट फार्म बिल के बारे में मैं बोलूंगी इट इज सिग्निफिकेंट मूव बाई गवर्नमेंट रिगार्डिंग फार्म बिल राइट एक और एग्जाम्पल देख सिग्निफिकेंट चेंज है प्लेज right there has been a significant increase in population over the last 10 years significant word right so this video is significant for your english learning so watch it full fully you will learn a lot agla adjective ridiculous right ridiculous ridiculous means आपने सम होगा ऐसा कोई चीज़ दैट इज समिंग दैट इज नोटिस की आपने किया होगा कि इसको हम यूज कब करते हैं कि इट इज़ रिडिकुलस है। वो आइडिया जो है पॉसिबल ही नहीं है यूज करना बहुत ही शानदार एडिकेटिव इसमें हम लोगों को भी हम बता सकते हैं कि यू नीड टू बी केयरफुल आपको फेशियल एक्सप्रेशन में भी यूज करते समय आपको केयरफुल होना चाहिए लोगों को बताने के बारे में बिकॉज़ कि आपने किसी को बोला कि योर बिहेवियर इज रिडिकुलस तो ये एक नेगेटिव कमेंट हो गया इसका मतलब सिली कि स्टूपिट चीज भी होता है ridiculous. आप सिली और आइडियाज़ बोल सकते हैं कि मैंने कहा कि योर आइडिया इज रिडिक्यूल राइट सिली और स्टूपिट ध्यान रखिएगा कि दैट्स अ रिडिक्यूल आइडिया ग्री विथ योर आइडिया योर आइडिया इज रिडिक्यूल राइट नेक्स्ट एग्जाम्पल यू लुक रिडिक्यूल टेक इट ऑफ किसी ने कोई सनग्लास ऐसे ऐसे पहन लिया और रोज पर अचड़ने लगता तो आपने क्या बोला कि यू लुक रेडिक्यूल टेक इट ऑफ इसको बाहर निकालो चश्मे को राइट नेक्स्ट एग्जाम्पल इट्स रेडिक्यूलस दैट द शॉप क्लोज एट फाइव पी एम राइट right? आपने देखा आपने इसका मतलब ये भी हो सकता है समथिंग की जो क्रेजी हो और जहां पर आप लाफ कर सकते हैं जिसे मैंने शुरू में ही बताया जहां पर आप हंसने के लिए है, जो कोई क्रेजी थिंग है मैंने कहा कि योर डांस इज रेडी राइट मैंने एक और एग्जांपल शुरू में ही बोला था दैट इज दैट इज रेडी क्यूलियस आइडिया राइट योर डायलॉग इज रेडिक्यूलियस योर डायलॉग डिलीवरी इज रेडिक्यूलियस आया समझ में आपको आई होप कि आपको रेडिकुल क्लियर ही हो गया होगा सो आई डोंट थिंक कि आप जो है इसमें कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई होगी आप सेंटेंस में सीखिए इट्स शॉप्स क्लोज एट फाइव पी जिसमें आप हंस सकते हैं क्रेजी थिंग्स जिसको मैंने कहा तो आपने दोनों प्रकार के जो सेंटेंस हैं क्रेजी और पहले वाले में कोई अंतर आपने देखा क्योंकि जो टोन और फेसियल एक्सप्रेशन आर रियली रियली इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ड रेडिकुलस सो दैट कि आपका जो लिसनर है आपके फेसियल एक्सप्रेशन और टोन से ही समझ पाता है कि आप उसके मतलब क्या करना बोलना चाहते हैं करना चाहते हैं सो so, एक अनादर नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी बहुत ही शानदार है बहुत ही यूजफुल है कॉम्प्लिकेटेड ये बहुत ही शानदार है कॉम्प्लिकेटेड और इसको आप जो है यूज़ करना सीखें यू कैन यूज इट वैन समथिंग इज डिफिकल्ट टू लाइक यू नो इट इज़ हार्ड जो बहुत ही हार्ड है मुश्किल है करना मुश्किल है इसको समझना मुश्किल है मैंने कहा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जी डी पी इज कॉम्प्लिकेटेड जी डी पी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि इसमें हो यह भी हो सकता है कि आपको जो उसमें डील करना या कि इसको मैनेज करना मुश्किल हो राइट right? द डायरेक्शन यू गेव मी इज कॉम्प्लीकेटेड राइट लर्निंग वर्व पैटर्न रूल इज रियली रियली कॉम्प्लीकेटेड वर्व पैटर्न का जो रूल है उसको सीखना बहुत ही कॉम्प्लीकेटेड राइट सो आप वर्ड्स में सीखिए सेंटेंस में सीखिए दे हैव बीन गोइंग आउट फॉर इस बट दे हैव ए कॉम्प्लीकेटेड रिलेशनशिप राइट द रिलेशनशिप इज नॉट गुड सो आपने क्या बोला दे हैवे ए कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप सो कीप लर्निंग दिस काइंड यू विल साउंड मोर फ्लेट आई होप कि यू हैव इंजॉयड एंड इट इज रियली रियली वेरी वे यूजफुल सो दीज आर इट माई फेवरेट एड्जेक्टिव आई हैव डिस्कस विद यू जो आर्ट्स एब्जेक्टिव हैं बहुत ही शानदार हैं जिसको आप इंग्लिश में बेहतरीन तरीके से अपनी बात को समझा सकते हैं और रख सकते हैं सो so, कैन यू टेल मी वॉट आर यूर फेवरेट्स इंग्लिश एब्जेक्टिव लेट मी नो इन द कॉमेंट्स सो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एंड दैट इज द फॉर लेसन फॉर दिस लेसन इस लेसन के लिए बस इतना ही बट डोंट फार गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई शेयर विद समी हु इट्स रिक्वायर्स सो जल्दी ही अगला वीडियो मैं आऊँगा लेकर के जो आपके लिए इसके जैसे ही बहुत ही वेलेबल होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने इसमें जो सबसे शानदार आपको एडजेक्टिव लगे उसको कमेंट में करके जरूर बताइए और कमेंट जब मैं करेंगे आप तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा और बाकी इस चैनल में आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसके जैसे ही जो वैल्यूबल जो लेसन है आपको मैं लाता रहूँगा आई होप यू हैव इन्जॉयट द वीडियो सो इफ़ यू इंजॉय सो प्लीज़ गिव इथ थम्स अप राइट थैंक यू सो मच